सौबात की एक बात यह कि टीचरों की डिजिटल हाजिरी लागू हुई थी पिछले महीने उत्तर प्रदेश में, तो इतना बवाल कर दिया था टीचरों ने, तो अब ये जो टीचर जगह जगह एब्सेंट मिल रहे हैं उस पर वो क्या कह रहे हैं। एटा में इंस्पेक्शन हुई तो आरोप लगा कि महीने में बस एक बार आते हैं कई टीचर और तनख्वाह बरसों से ले रहे हैं। डिजिटल हाजिरी लागू हुई थी तो इतना हंगामा किया था टीचरों ने और डिजिटल हाजिरी को होल्ड पर डाल दिया गया था। अब वो टीचर कहां है सारे जो हाजिरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तमाम तरह की मांगे रख रहे थे हाजिरी लागू करने के लिए। शिक्षा विभाग ने टाइम की ढील भी दे दी थी उनके आंदोलन करने पर कि चलो कहीं दूर दराज के इलाकों में टाइम पर भी नहीं पहुंच पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाजिरी लगा देना। तब भी ये लोग नहीं माने थे। हो सकता है आंदोलन करने वाले टीचरों की बात सही भी हो, लेकिन ये जो टीचर आते ही नहीं है और तनख्वाहें लेते रहते हैं इस पर भी तो वो कुछ बोले। एटा में बता रहे हैं कि सालों से ऐसा ही चल रहा है, और सिर्फ एटा ही नहीं, पिछले साल तो पूरे यूपी में इंस्पेक्शन में 16,500 से ज्यादा टीचर एब्सेंट मिले थे, लेकिन इनकी अटेंडेंस के लिए नियम बनाओ तो ये आंदोलन करने लगते हैं। नेता लोग भी कह रहे थे कि पहले स्कूलों की हालत ठीक करो। अरे वो बात तो सही है कि स्कूलों की हालत ठीक करनी है, लेकिन टीचरों की हाजिरी का उससे क्या ताल्लुक? अगर स्कूल की दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है तो उसे टीचर नहीं आएगा, उससे क्या मतलब उसका? ये थोड़ी है कि ये महीने में एक दिन आकर अपनी तनख्वाहें लेते रहेंगे। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, क्या पढ़े कैसे पढ़े, इस सबसे उनका कोई मतलब नहीं। एक तो पहले ही बजट नहीं रखते सरकारी स्कूलों के लिए, ऊपर से उस बजट का भी एक हिस्सा ऐसे टीचरों को देने में क्यों चला जाएगा? पब्लिक के पैसे ऐसे टीचरों को क्यों दें? और ये जो महीने महीने टीचर आते ही नहीं है, इनकी तनख्वाहें जाती रहती हैं, तो ये विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है? पब्लिक क्यों ना माने कि सब मिलीभगत चल रही होगी? पब्लिक इसीलिए तो ये समझती है कि पैसे का हिस्सा विभाग के अधिकारियों को भी जाता होगा, तभी तो इन लोगों को तनख्वाहें मिलती जा रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है ऐसा कि टीचर ना आए लेकिन उसकी सैलरी आती रहे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो उन परिवारों के बच्चे जाते हैं ना जो प्राइवेट में जा नहीं पाते क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं होते, तो उनको पढ़ाओगे ही नहीं। टीचर सीख देते हैं ना बच्चों, ये क्या सीख दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना होता, ये सीख दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी में हाजिरी डिजिटल कर दो, यानी कि इंटरनेट के जरिए लोकेशन चेक होने वाले होले वाली कर दो तो उस पर ही टीचर की अटेंडेंस लगेगी, तो ये लोग आंदोलन कर देंगे। यही तो किया इन्होंने पिछले महीने, यही तो किया। पब्लिक क्यों नहीं मानेगी कि ये अपनी हाजिरी को ऐसे रिकॉर्ड होने ही नहीं देना चाहते? नहीं तो क्यों नहीं आते ये लोग ऐसे टीचरों के खिलाफ जो ये सब कर रहे हैं? अगर मुफ्त की तनख्वाह लेने वाले टीचर बाकी टीचरों का नाम खराब कर रहे हैं तो आंदोलन के टाइम इनको बोल देना चाहिए था कि ऐसे टीचरों को निकाल बाहर कर दिया जाए। क्यों गरीबों के बच्चे भुगते हैं इन मुफ्तखोर टीचरों को? क्यों दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे ऐसे टीचरों की वजह से पीछे रह जाएं? क्योंकि उनके मां बाप उनको प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते तो वो भी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाए। जो एटा में दिखा वो देखकर तो साफ है कि टीचरों की हाजिरी लगनी ही चाहिए। उनको जो उनके जो सवाल हो उनके जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उनकी हाजिरी तो लगे। अभी तो इस पर बात पहुंची नहीं कि पढ़ा क्या रहे हैं टीचर, अभी तो इसी पर है कि पहले ये लोग स्कूल आ तो जाएं। हाजिरी तो लगनी ही चाहिए, हक है ये गरीब बच्चों का, दलित बच्चों का, पिछड़े बच्चों का, आदिवासी बच्चों का। स्कूलों में ही उनको टीचर तक नहीं दोगे तो आगे क्या एहसान जताते फिरते हो कि आरक्षण दे तो दिया, पढ़ा ही नहीं कुछ, कुछ देखा ही नहीं कि टीचर मिला या नहीं। वो मौका ही नहीं मिले जो बाकी बच्चों को मिले जो आरक्षण का, तो उनको आरक्षण का भी क्या कर लेंगे वो? बच्चों की हाजिरी लगने से पहले टीचरों की हाजिरी तो लगवाओ। सौ बात की एक बात।